वाओ खुल गया सैमसंग। ओह तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे सैमसंग Z Fold 4 लॉन्च हो चुका होगा और आप में से काफी सारे लोग उसके लिए एक्साइटेड भी हो गए। और मुझसे पूछा जाए तो मैं एक्साइटेड हूं भी और नहीं भी हूं, क्योंकि मैं Z Fold 3 यूज कर रहा हूं पिछले एक साल से जब से लॉन्च हुआ है, अराउंड 1 ईयर हो चुका है इसको। और काफी सारी ऐसी चीजें जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड कुछ ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लगी है। तो अगर आप Z Fold 4 बाय करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी अगर आप उसे प्राइमरी डिवाइस की तरह रखने की सोच रहे हो। तो स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू से। ये तो आवाज कर रहा है, काफी लोग सोचेंगे भाई तू कितने फोन यूज करता है, तू सैमसंग S22 अल्ट्रा भी यूज कर रहा है, आईफोन 13 प्रो मैक्स भी यूज कर रहा है और फोल्ड भी यूज कर रहा है। तो देखो हमारे टीम मेंबर इसे यूज कर रहे थे जब से फोन लॉन्च हुआ है और कंटिन्यू यूज करा गया ये फोन एज अ प्राइमरी डिवाइस। और देख सकते हो अभी भी इसके अंदर सिम है, तो भाई प्रॉपर जब से टेस्ट होता आ रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी यूएसपी से, जिसकी वजह से इसका नाम ऐसे मतलब फोल्ड रखा गया है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले फोल्ड हो जाती है और अनफोल्ड भी हो जाती है। और सैमसंग का ना पहली बार जो फोल्ड आया था वो पहला फोन था जिसकी डिस्प्ले अंदर की तरफ फोल्ड होती थी। तो अब ये थर्ड जनरेशन वाला मेरे पास फोन है एंड अब फोर्थ लॉन्च हो चुका है। बाकी इन्होंने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स तो करी हैं। और इसकी जो मेन हाईलाइट है ना वो बाहर वाली डिस्प्ले भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको अंदर के साथ साथ बाहर भी डिस्प्ले मिलती है। Z Flip के अंदर आपको सिर्फ अंदर डिस्प्ले मिलती थी। अगर आप मुझसे पूछो फ्लिप लोगे या फोल्ड लोगे कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो देखो फ्लिप में पैसे तो बचते हैं नो डाउट, और वो फोन मैंने अराउंड 3 महीने यूज भी करा है, बट कुछ टाइम बाद उसकी हिंजेस जल्दी ढीली हो थी तो मैंने सेल कर दिया और उस पर हमने वीडियो बनाई, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी अगर इसकी बात करूं तो ये इसलिए ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि मेरे को इसे यूज करने के लिए ज्यादा खोलना नहीं पड़ता, मैं बाहर वाली डिस्प्ले से इसे यूज कर सकता हूं। तो यहां पर एक प्रैक्टिकल यूज तो मेरे को इसका लगा है फ्लिप के कंपैरिजन में, बट यहां पर आप डबल पे भी कर रहे हो। मतलब अगर बात करूं तो आप फ्लिप लेकर एक आईफोन भी ले सकते हो, वहीं पर ये दो फोन के दाम में इकलौता आता है। अब एक बात तो मैंने नोट करी इस फोन के अंदर, लाइक फ्लिप और फोल्ड में भले ही बोला गया कि सेम तरीके की हमने हिंजेस यूज करी हैं, बट इसकी हिंज ज्यादा अच्छी है, मतलब अभी तक ये ढीली नहीं हुई है। तो यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी फोन की बहुत ही सॉलिड है और यहाँ पर भाई ग्लास जो यूज कराया ना विक्टस, उस पे जो फिनिशिंग है ये भी मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा सही लगी। ये फोन 3-4 बार गिर चुका है अब तक एंड इसमें भाई बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई है, तो यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर अब मैं सीधा बताऊं तो जो इसकी अंदर वाली डिस्प्ले है, जो इसकी मेन हाईलाइट है, यहाँ पर जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इसमें क्रीज काफी कम थी, जो बीच में लाइन आती है ना फोल्ड होने की वजह से, अभी विद टाइम ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से क्या है लाइक डिस्प्ले की क्वालिटी तो ऑल ओवर कमाल की है, लेकिन जब आप कोई कंटेंट देखते हो थोड़ी बहुत लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो अभी क्या है कि इसमें दो बंप बन चुके हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, और मिड में तो नीचे की तरफ हो चुकी है बिल्कुल डिस्प्ले, जिसकी वजह से जो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। अब आप में से काफी सारे लोग बोलने वाले हैं कि भाई बाहर वाली डिस्प्ले के अंदर देख लिया करो, तो बाहर वाली डिस्प्ले एक तो छोटी है, दूसरा इसका एस्पेक्ट रेशियो भी अलग है। हालांकि अंदर वाली डिस्प्ले का भी एस्पेक्ट रेशियो अलग है और बाहर वाली का भी अलग है, तो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस इस फोन का इतना अच्छा नहीं लगा जितना कि S22 अल्ट्रा आपको ऑफर कर सकता है, वो भी कम दाम के अंदर। तो जो इसकी मेन हाईलाइट है, जो इसकी अंदर वाली डिस्प्ले है, नो डाउट ये आपको स्टैंड आउट कराएगी काफी सारे लोगों में, बट ये इसके एक प्रॉब्लम भी बन जाती है। हालांकि इसकी डिस्प्ले के अंदर एक फीचर मेरे को काफी कमाल का लगा, जो कि आपके नॉर्मल फोन की डिस्प्ले के अंदर भी होगा, लाइक HFV अनबॉक्स को आप ऐसे जाकर YouTube से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है, जैसे कि सैमसंग ने इसके अंदर आपको दिया है ना पहले से प्री अप्लाइड टेम्पर्ड, तो सैमसंग ने एक गाइडलाइन में लिखा भी हुआ है कि अगर आप इसे रिमूव करोगे तो इसकी जो वारंटी है डिस्प्ले की वो वॉइड हो जाएगी। तो मैंने अभी तक लगा कर रखा हुआ है और ये विद टाइम छूट चुका है, मतलब अभी तो ये मैंने अच्छे से नहीं खोला, यहाँ पर बहुत ही भद्दा लगता है और मैंने सर्विस सेंटर पे दिखाया, हालांकि ये सैमसंग के एंड सैमसंग ने बोला है रिप्लेस हो जाएगा, पर मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ भाई फोन पर और मैं बार बार सर्विस सेंटर की चक्कर थोड़ी काटूंगा। तो यहाँ पर सैमसंग को ये चीज करनी चाहिए कि आप स्क्रीन गार्ड हटाकर दूसरा लगा सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है सैमसंग को ये लगता है कि अगर आप स्क्रीन गार्ड हटाओगे तो जैसे पहले वाले फोल्ड की हालत हुए थे ना वैसे ना हो जाए। बाकी यहाँ पर मैं बता दूं तो अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो, ठंडी से गर्मी में आते हो, तो मैं जब इसे ठंडे एरिया में ले गया था, लाइक नैनीताल गए थे हम लास्ट ईयर घूमने के लिए, तो उस टाइम पर क्या था कि इसकी डिस्प्ले के जो पार्टिकल्स है मेरे को लगता है वो काफी ज्यादा मतलब ऐसे सॉलिड सा फील कराते हैं, तो जब आप इसे ओपन करोगे ना ठंडे एरिया के अंदर तो ये काफी ज्यादा हार्ड फील होता है। तो सर्दी में क्या है ये बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाता है, आप इसे अच्छे से मतलब ऐसे ओपन नहीं कर पाओगे, और जब करोगे भी तो आवाज आती है, डर लगता है भाई टूट ना जाए, 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां पर इसकी डिस्प्ले के साथ ये दिक्कत है। इवन ठंड में क्या हुआ था कि इसका जो स्क्रीन गार्ड था ये भी ऊपर की तरफ आ गया था निकल के, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि जब हम वापस आए थे तो उस टाइम तक ये अपने आप चिपक भी गया था, तो ये मेरे को ठीक लगा, मतलब 1.5 लाख रुपए वाले स्क्रीन गार्ड यूज कर रहा हूं मैं। खैर अब अगर आप सोच रहे हो कि ठंडी में प्रॉब्लम है गर्मी में हम काम चला लेंगे, तो देखो ये जो इसकी हालात हुए ना डिस्प्ले के खोलते हुए आवाज कर रहा है, ये हुए इसके गर्मी के अंदर। मतलब हम एक टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गए थे बाहर पर और थोड़ा सा एक्सट्रीम वेदर था उस टाइम में, तो क्या हुआ कि जब आके देखा तो इसका स्क्रीन गार्ड अब तो चिपक चुका है काफी हद तक, लेकिन ये काफी ज्यादा उखड़ गया था, और उसके बाद ही हमने सर्विस सेंटर पर बात करी
भाई इसकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट करो। तो अब इसकी फाइनली स्क्रीन रिप्लेसमेंट होगी और मैं अभी इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि भाई एक रीजन तो ये था कि मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, दूसरा सर्विस सेंटर पर मुझे बोला गया कि जब स्क्रीन अवेलेबल होगी जब आना, हम जब रिप्लेस कर देंगे सेम टाइम पर। तो डिस्प्ले तो कमाल की, इसी के साथ कमाल कमाल की प्रॉब्लम भी है, लाइक एक तो मैंने जैसे बताया आपको भी, दूसरा है कि इसके अंदर जो आपको कंटिन्यूटी मिलती है ऐप की, जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है सैमसंग की वो तो काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, चाहे अंदर वाली डिस्प्ले से बाहर वाली डिस्प्ले पर स्विच करो या बाहर वाली से अंदर वाली, लेकिन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट को ले लेता हूँ, काफी घटिया एप्लीकेशन है डिलीवरी के मामले में, या किसी और एप्लीकेशन को भी आप ले सकते हो, लाइक मैं डिलीवरी एप्लीकेशन काफी सारी यूज करता हूँ, तो अगर मैं अंदर वाली डिस्प्ले पर यूज कर रहा हूँ और मेरा मन कर रहा है कि नहीं यार बाहर वाली डिस्प्ले पर यूज करना है, तो मैं जैसे ही फोल्ड करूंगा इसे तो मेरे को ऐप फिर से रीलोड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरा पूरा डेटा काफी बार लॉस हुआ है। तो ये मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी है इसके अंदर, मतलब इस फोन को आए हुए 3 साल हो गए हैं, अगर मैं सीरीज देखूं इस फोन को तो आए हुए खैर 1 ही साल हुआ है, तो यहाँ पर अभी तक सैमसंग इस चीज को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया, एंड आई एम श्योर कि फोर्थ फोल्ड के अंदर भी ये चीज अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होने वाली है। बट एक बात माननी पड़ेगी, सैमसंग ने जो इस फोन की परफॉर्मेंस दी है वो सही लगी मेरे को, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 है यहाँ पर, ये काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। बट अगर आप सोच रहे हो गेमिंग के लिए बाय करोगे और इसके अंदर मस्त गेमिंग करोगे क्योंकि बड़ी डिस्प्ले मिलती है, तो देखो डिस्प्ले कमजोर है, गेमिंग के लिए यूज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर थोड़े बहुत नेल भी लगे ना डेंट पड़ जाएगा और फिर डिस्प्ले चेंज करानी पड़ेगी, 1.5 लाख का फटका है सीधा। और अगर आप बाहर वाली डिस्प्ले पर गेम खेलने की सोच रहे हो तो ये काफी छोटी है और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी काफी अलग है, तो यहाँ पर गेमिंग के लिए तो ये फोन नहीं है, बट हाँ नॉर्मली अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है। बट जैसे सैमसंग ने मैंने दूसरे फोनों के अंदर एक प्रॉब्लम फेस करी है, लाइक आप वन प्लस से कंपेयर कर लो, एप्पल से कंपेयर कर लो, किसी से भी, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है सैमसंग की हर बार भाई मेरे को वीक ही मिली है, और यहाँ पर इसके साथ भी वही सीन है। बाकी इस फोन के अंदर जो 120Hz का पैनल दिया है ना, जब मैंने इसे यूज करने स्टार्ट करा था मेरे को लगा था कि मेरी यूनिट के अंदर कुछ दिक्कत है, मतलब मेरे को जिटरिंग फील हो रही थी, उतने स्मूथ फील नहीं हो रहा था। बट मैंने ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है कि इसके 120Hz में भाई जिटरिंग है उतना स्मूथ नहीं है जितना दूसरी कंपनी आपको ऑफर करती है। लाइक अगर आप इसी फोन को यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपको ज्यादा फील ना हो, लेकिन अगर आप दूसरे फोन लाइक 120Hz वाले यूज करते हो, ये हमारे पास एप्पल भी है, इवन सैमसंग S22 अल्ट्रा भी है, तो यहाँ पर जो आपको स्मूथनेस मिलती है ना वो भाई अनबीटेबल है, ये उसके आसपास मेरे को नहीं लगा। तो किसी भी फ्लैगशिप में जो 120Hz मिलता है उसमें सबसे वीक इसी के अंदर परफॉर्म करता है। इसे बार बार खोल रहा हूँ, अलग अलग आवाज आ रही है, टूट ना जाए। तो चलो डिस्प्ले अच्छी है, शोशाबाजी के काम आएगी और भाई परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसके अंदर। बट यहाँ पर 1.5 लाख रुपए में जो निराश करने वाली चीज है वो है इसके कैमराज। इसके जो कैमराज है वो 1.5 लाख में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, इवन मैं कहूंगा जो S21 सीरीज है ना, S21 FE सीरीज है, उसके बराबर के भी नहीं है इसके कैमराज। मैंने काफी सिचुएशन में टेस्ट करे हैं इसके कैमराज एंड मेरे को बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगे हैं। लाइक अगर आपको सैमसंग का एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस फोन चाहिए जिसमें आप गेमिंग भी कर सको, कैमरा भी अच्छे मिले, तो S21 अल्ट्रा नो डाउट इसे मैं ट्रू फ्लैगशिप बोल सकता हूँ। बट इसके जो कैमराज है वो काफी ज्यादा निराश कर देते हैं। बट इसके अंदर जो मेन और यूनिक चीज है वो है आपको जो मिलती है अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर। इसमें आपको फ्रंट में आई थिंक 4 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, अगर ये नहीं है तो साइड में लिखा होगा। इससे जब आप सेल्फी कैप्चर करोगे तो थोड़ी हेजी आती है, बट ये कमाल की चीज है कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ही कैमरा इन्होंने यूज करा है और ऊपर काफी कम पिक्सल्स दिखते हैं, तो ये मेरे को काफी सही लगा। और अगर मेरे को सेल्फी लेनी भी है तो मैं बाहर वाले सेल्फी कैमरा से ले लूंगा, वहां पर थोड़ी बेटर आ जाती है, तो ये बढ़िया है। बट ऑल ओवर जो कैमराज है वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगे हैं मुझे। तो डिस्प्ले तो इतनी लंबी चौड़ी दे दी सैमसंग ने, लेकिन लंबी चौड़ी बैटरी देना भूल गए, क्योंकि जिसने इस फोन को यूज करा है उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि वो जो काम करते हैं 90% बाहर वाली डिस्प्ले से करते हैं, अंदर वाली डिस्प्ले वो दिन में 1-2 बार ही ओपन करते हैं, उसके बाद भी जो इसका SOT है वो 4-4.5 घंटे का है, मतलब दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है फोन। तो यहां पर भाई बाहर वाली डिस्प्ले के बाद भी इतना गंदा बैटरी बैकअप मिल रहा है इस फोन का, तो आई होप कि फोल्ड 4 के अंदर इसका बैटरी बैकअप इंप्रूव कर दिया जाए। बाकी उसकी टेस्टिंग भी मैं लाऊंगा अपने चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो काफी लोग हैं जो बोलते हैं एप्पल भाई शोशाबाजी के लिए आप इसमें 1-1.5 लाख रुपए फूक रहे हो शोशाबाजी के लिए, बट भाई मेरा मानना यह है कि आप 1.5 लाख रुपए शोशाबाजी में सिर्फ फोल्ड पर फूक रहे हो, क्योंकि इसकी डिस्प्ले आपको स्टैंड आउट कराती है और उसमें काफी सारी प्रॉब्लम है। अभी भी आपने थोड़ी बहुत आवाज तो सुनी ली होगी ओपन करते हुए। बाकी इसके कैमराज मेरे को अच्छे नहीं लगे, एंड अगर आपको लग रहा है आपकी यूजेज के हिसाब से आईफोन नहीं है तो आप सैमसंग S22 अल्ट्रा बाय कर सकते हो, इसे ट्रू फ्लैगशिप बोला जा सकता है 2022 का, तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा वर्थ है। और फोल्ड 4 बाय करने की सोच रहे हो तो एक बात और ध्यान में रखना कि भाई इसे पॉकेट में रखने में भी प्रॉब्लम होती है। बाकी फोल्ड 4 का भी हम रिव्यू लाएंगे अपने चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसके लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। बाकी आप मुझे कमेंट्स में ये बताने कि आपको लॉन्ग टर्म रिव्यूज और चाहिए। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जोन मैगेस वो करो टू वॉच योर हार्ट फिल स्टेट इन विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।